ફરીને મનુભાઈ ગઢવી આપની સમક્ષ હાજર થાય છે અને લોક સંસ્કૃતિની વાતો કરવી છે, લોકકથા કહેવી છે, લોકભાષામાં કહેવી છે, લોક સંવેદનમાં કહેવી છે અને આવું કહેવા માટે એક થોડીક જરૂરી વાત સમજી લઈએ કે આખી લોક સંસ્કૃતિ ત્રણ તત્વો ઉપર ઊભી છે, માં, બેન, પત્ની અને પુત્રી। आने ज अगत्यता आपी अने लोक संस्कृतिए वातो करी छे। मानवी पासे संवेदन छे अने भाव अने भाषा छे, ए आखी भाषा लोक संस्कृतिनी मानवीना सुख दुःखनो अनुभव करावनारी जेटली छे ए 300 शब्दमां ज फरे छे अने मानवीना सुख दुःख दुनियाना कोईपण विभागमां जाओ तो ए प्रसन्न थाय छे ए 300 शब्दोमांथी वपराय छे अने ए नाराज थाय छे अने दुखी थाय छे ए 300 शब्दमांथी ज वपराय छे। आ लोक संस्कृति ए अनुभव पर ऊभी है, ये कल्पना पर नहीं ऊभी, अदृश्य जगत में नहीं जाती। दृश्य जगत में जे जीववानुं जीवन है ने एना उपरथी जेटली तारवणी काढ़ी है ने अने एमांथी जे निचोड़ काढ्यो छे ए अस्तित्व ने जे उत्सव बनावी जाने ए मानवीनुं जीवन सुख अने शांति में जाए एवो लोक संस्कृतिनो अंदाज है। अने एवा सुख अने शांति में जो जीववुं होय तो लोक संस्कृतिए जे कीधुं छे के कृष्ण परमात्मा अने गोपीओ कार्तक महीनानी पूनमने दिवसे जमुनाजी ने कांठे जेदी रास रमवा बधा भेगा थाय तेदी वाजिंत्रो वागे छे के ठें ठें बज त्रमक ठोर, शैं शैं शरणाई शोर, धैं धैं बज प्रणव ढोल, कें कें बोले जुग जुग बज जंत्र जंज, डुक डुक मंजीर रंज, डुक डुक योमंग संग अति उमंग डोले, द्रागड़ा द्रागड़ा पखाज थगड़ा थई थई समाज, क्रिगड़ा क्रिगड़ा द्रुकट त्रुकट घनकट राचे। आखी जो नाद वैभवनो जो आमांथी काढो तो एक ज निकळे के स्त्री पुरुष बे भेगा थाय त्यारे एना वाजिंत्रो जे वागवा मांडे आ जातना वागे अने एमां एने नृत्य ऊभुं थाय, नाचवा मांडे अने नाचवानी कक्षाए जाए तो ई अकाम अवस्थामां जाय छे अने एवा नृत्य करवा माटे स्त्री अने पुरुषे पति अने पत्नी बनी अने जोड़ाय अने सृष्टिनो क्रम चालू राखे। तो ये सृष्टिनो क्रम चालू राखवामां संतोष अने सुख मेळववा माटे पुरुष माटे स्त्री जरूरी छे अने स्त्री माटे पुरुष जरूरी छे, पण विश्वनु दाम्पत्य जीवन भांगतुं जाय छे एनी लोक संस्कृतिने चिंता छे। लोक संस्कृति एकली संस्कृति नथी, एकली कला नथी, एकलुं साहित्य नथी, तो बहु मोटुं लोक विज्ञान छे अने विज्ञानमां जे निदान काढ्युं छे ए छे के स्त्री छे ए पुरुष माटे औषध छे। स्त्री पासे पुरुषने खिलववा माटेना बधाय साधनों छे। स्त्री जो धारे तो पुरुषने समाधि लगाड़ी शके, स्त्री जो धारे तो पुरुषने समाधिमांथी पाछो छोड़ावी शके अने आवी स्त्री प्राप्त करवी ए जिंदगीमां लोक संस्कृतिमां एने मोटामां मोटुं भाग्य कीधुं छे। तो कृष्ण अने गोपीने आखू विश्व आज अभ्यास करवा बैठू है कि गोपी में एवं शूँ आवी पड्युं छे। तो गोपी बनवा माटे सौथी पहला तो अभण थवुं जोईए, भणेलो भूली जावो जोईए, अहम छोड़ी देवो जोईए अने रोजनु जीवन छाण अने वासीदा में, पुत्र अने परिवार में, पति अने वृद्ध माता पिता में जेने गाळवुं होय एवी जे गोपी होय ने एने तीर्थयात्रानी जरूर नहीं, एने कोई पाठ पूजानी जरूर नहीं, एने देव मंदिरना दर्शननी जरूर नहीं, एने कैलास अने हरिद्वारना धक्का खावानी जरूर नहीं। एवी स्त्री कृष्णने पामी शके, परम तत्वने पामी शके अने परम तत्व एने माटे हाजर ऊभुं रहे। तो एवो लोक संस्कृतिमां एक दुहो कीधो छे के साठी चावल मनुष्य जो सुखी थवुं होय तो आ पृथ्वी पर स्वर्ग उतारवुं होय तो शुं शुं करवुं जोईए, कोने स्वर्ग कहेवाय, तो एनो दुहो छे के साठी चावल, भैंस दूध अने घर कुलवंती नार, चौथी पीठ तुरंगरी अने आ सर्ग निशानी चार। जो चार ओरडामां जो स्वर्ग उतारी देवुं होय तो चार ओरडामां ज उतरे छे, बार स्वर्ग छे ज नहीं। स्वर्गने ढहळीने जो लाववो होय तो घरमां ज बेसाय अने एमां जे स्त्रीने बाळक छे ई एनुं पहेलुं स्वर्ग छे, जेने पति छे ई एनो स्वर्ग छे, जेने घरबार छे ई एने स्वर्ग छे अने एवा पति पत्नी एक बाळक लई जिंदगी गुजारी नाखे एनुं नाम स्वर्ग छे। अने एमां पहेलामां पहेलुं शुद्ध खोराक होय, पोतानी जाते पकवेलुं अनाज होय, साठी चावल, चावल एटले चोखा, 60 एटले साठी एटले 60, 60 दिवसमां जे चोखो पाकी अने तैयार थईने कोठीमां पड़े एने साठी चोखा कहे अने साठी चोखा एटले जेने रांधवा मूके त्यारे रहोडामांथी त्रण त्रण घर सुधी शेरीओमां एना जेना फोरमना लींटरडा छूटता होय एना एवा एनी जे सुगंध आवती होय एने साठी चावल कहे। अने एवा चोखा रांधी अने थाळीनी अंदर मूके त्यारे जूईना फूलनी पांदड़ीओ जेम गोठवी होय एवो देखाव थाय अने एनी अंदर थोड़ो घी अने हाकर नाखी अने चोखा खाय तो जिंदगीनो पहेलो सुख कहेवाय। साठी चावल अने भैंस दूध अने भेगू जो भैंसनुं दूध खावामां होय, घरनी अंदर ढोर ढाखर होय, पोतानी खेती होय अने खेतीनी अंदर एक भैंस अने एक बळद नभता होय तो ई भैंस केवी होय के घरना जंगलनी अंदर हागना मूळिया ने दोड़ा नेव नेव हाथ माथे डोका काढता होय। आरड बोरड केरडनी एवी घटा जामी होय के एनी अंदर जो हाहलो जाय दौड़ीन तो एनी चामड़ी निकली जाय ने खोल निकली जाय एवी आरड बोरड केरडनी घटा जामी होय अने ई जंगलनी अंदर हावज फरता होय। ई केवा हावज फरता होय? 11.5 हाथ लांबा, गरेडीना खीला जेवा दांत, बहुरी लटाळा, पोणा पोणा हाथनी जाफू, पगनी एक खड़ताल मारे तो पाणो उड़ाड़ी अने ठेठ त्रणगाव माथे नाखे अने धूड़नो वंटोळियो चढ़ावी दे। जूनागढ़मां हाले गेरीना जंगलमां अने पाणो उड्यो होय तो जेतपुरनी बजारमां आवी अने कोईनी दुकानमां पड़े एवा जेना पगनी झांपू होय अने ताहळी ताहळी जेवड़ा ने थाळी थाळी जेवड़ा जेना पंजा होय एवा हावज ज्यां आटा मारता होय त्यां जे भैंस रहती होय अने ई भैंस जो हावजनी सामे शिंगड़ा मांडती होय एवी एक भैंसनुं दूध लई अने बीजीने पाय, बीजीनुं दूध लईने त्रीजीने पाय, त्रीजीनुं लईने चौथीने पाय ने हातमी नवचांदरी भैंसनुं दूध दोई अने पछी ई दूधने आ लई अने गरम करी अने एनी पोपड़ी पड़े ने त्यारे ई दूधनी अंदर साठी चावल नाखी अने जो आदमीने खावानुं मळे तो जिंदगीनुं आ बीजुं सुख कहेवाय। साठी चावल अने भैंस दूध अने घर कुलवंती नार, आ भैंसनो दूध अने आ चोखा जो कुलवंती ने पदमणी नार रांधीने आपे तो जिंदगीनो सुख कहेवाय। नहीतर जो आ रांधे तो फूहड़बाईए रांध्यु होय ओळखाण न पड़े के आ कयो खोराक छे ई न कहेवाय। एटले पदमणी बाई ने ज्यारे कुलवंती नार होय ने ई जेदी परणी अने घरमां आवे अने ई आ चोखा रांधीने खवरावे तो आ जिंदगीनो बीजुं सुख कहेवाय। ई जे स्त्री कुलवंती होय, जे पदमणी स्त्री होय एने लोक संस्कृति ने आंखे जोवी छे केवी लागे। लोक संस्कृतिए स्त्रीना वखाण कर्या छे वासनानी दृष्टिए नहीं, पण पदमणी स्त्री होय ने ई जेदी नावा बेहे तेदी ओरडो बंद करे, त्रण त्रांबा कुंडीओनी अंदर चंदनना लहरका नाखीने पाणीनी अंदर नाखे, मोछ वाणे एलची वाणे अने खळखळते पाणीए नाई अने पछी माथानो चोटलो छूटो मूकोई अने एने कोरो करवा हारू थई अने ओसरीमां आवी अने जूनी हाड़ी लई अने आम करीने आम माथाना चोटला उपर झापट मारे ने तो चोटलामांथी पाणीना फोरा खरे, एने पाणीना फोरा ओसरीमां खरे। एनो देखाव केवो थाय के इंद्र महाराजना राजमहलनी अंदर इंद्र महाराजनो जन्मदिवस होय अने तेदी नाटारंभ गोठवाणो होय अने बधी अपसरायुने बोलावी होय, एमां रंभा नाच नाचती होय, मेनका नाच नाचती होय, एनो गुरु सामे बैठो होय अने नाचना ठेकामां एक भूल थाय अने गुरु ऊभो थईने एक मेनकाने थपाट मारे अने थपाट मारे त्यारे डोक मळडाई जाय अने डोक मळडाई तो एना गळामांथी हाचा मोतीनो हार तूटी जाय अने ई हारनुं एक एक मोती पृथ्वी उपर पड़तुं होय एवा जेना माथानी अंदरथी पड़ता पाणीना फोरानो देखाव थतो होय। अने एवी बाई माथाना चोटलाने वाळे वाळे मोती ठासी अने शणगार सजवा बेहे, कट हमाणो आरीहो मांडे अने एनी सामे ऊभी रही अने माथाना चोटलाने जेदी आम करीने आम ओळी अने वाहे नाखीने घा करे त्यारे पगनी पानी सुधी चोटलानी वाळनी लटू बचियू भरती होय तो शेषनागने एनी नागणीओने एना बचड़ा चंदनने झाड़वे टींगाता होय एवो जेनो देखाव थाय। अने ई चोटलाने जेदी अंबोड़ो वाळी अने माथे मूकी दे ने तेदी ई अंबोड़ानो देखाव केवो थाय के शंकर भगवाने जेदी तांडवनु नृत्य कर्यो, दर्शन विचित्र तल्प योर भुजंग मुक्ति कसरो जोर गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सूरज विपक्ष पक्षयो तृणा रविंद्र चक्षुषु प्रजा महि महेन्द्रयो समम प्रवर्तयन मना कदा सदा शिवम भजे करीन जेदी शंकर तांडवनु नृत्य करेलु तेदी हाडे हाड भांगी नाखे एवा सर्पने गळामां नाखी अने जे हा नाग नींडोवाणो जे हिलोवाणो एमां एनुं मकोड़ो हाडके हाडकू तूटी गयुं होय अने थाक लाग्यो होय अने नृत्य बंध थाय त्यारे ई नाग दौड़ी अने आ बाईना माथा उपर पोरो लई लेवा विहामो लेवा माटे बेही गयो होय एवो जेना ચોટલાનો દંબોડાનો દેખાવતા હોય એવા જેના માથાના વાળ હોય અને કપાળ જોયું હોય તો દશમનો ચંદ્રમા અર્ધેક આ ભાવીને ઊભો રહી ગયો એમ ઝાળ ઝાળ થાતું તેજવાળું કપાળ હોય એની નીચે ત્રાઠી મૃગલી જેવા નેણ હોય નેણનો આકાર કેવો હોય કે ભૂખી સિંહણ મૃગલીની વાહે દોડે मृगली जीव बचाववा भागे अने भागती भागती नदी ने कांठे आवीने ऊभी रही जाए अने मौत ने अने एक मिनिटनुं छेटुं रहे त्यारे जीव बचाववाळुं थईने मृगली आ कांठे आम करीने आम बे पग मांडी अने हामे कांठे भागी जवा हारुं थईने शरीरने नींडोळीने पटमां घा करे तेदी नदीना अर्धा पटमां मृगलीना शरीरनो जे आकार थाय ने ए जेना नेणनो आकार होय એવા ત્રાઠી મૃગલી જેવા ભાગેલી મૃગલીના શરીરના આકાર જેવા જેના નેણ હોય એ નેણની નીચે કાપલ કેરીની ફાડ્યું ફાડ્યું જેવી આંખો હોય અને આંખની અંદર ત્રણેય પખાનું તેજ હોય મોહળ ઉજળું હોય હાહરું બહુ જામેલું હોય અને પિયરનું તેજ હોય અને આંખમાંથી અમૃત ઢોળાતું હોય એવી જેની આંખો હોય એવી આંખોની અંદરથી એકલું અમૃત વરસે અને દીવાની શક જેવી નાકની દાંડી હોય જરાક ભાવ હલે ત્યાં નાકની દાંડી હલવા માંડે પરવાળા જેવા હોઠ હોય પંડનો હાથ અડે અંદરથી લોહીના ટસિયા હમણાં ફૂટ્યા ફૂટશે એવો દેખાવતા તો હોય અને એની અંદર 32 દાંત અંદર દેખાતા હોય ને જરાક જો મરકે તો ચક્રવર્તીના પાણી છૂટી જાય એવી સ્ત્રી જ્યારે મરકે ત્યારે એના દાંત દેખાય એનો દેખાવ કેવો થાય કે દિલ્હીના શાહજાદાની એકની એક શાહજાદી હારે લગ્ન થવાના હોય અને એના માટે થઈ અને ઝવેરી કોઈ હંગરીન રાખેલા હીરાના ડાબલા લઈને જાય અને હાથે હાથ ન હુજે ને પંડને પોતાની બીક લાગવા માંડે એવા અબસીના ડાચા જેવી કાળી મેઘલી રાત મળી હોય અને એવી મેઘલી રાતમાં આમ કરીને આમ ડાબલો ઉગાડે ત્યારે અંદરથી જે અંજવાળા પડે ને એ ઠેઠ દિલ્હીમાંથી ઉગાડે અને મુંબઈમાં અંજવાળા પડે એવા જેના દાડમની કળીઓ જેવા હીરા જેવા દાંત હોય એવા દાંતવાળી પાકલ વૈશાખ મહિનાની કેરી જેવી દાંટી હોય પાણી પીએત ગળામાંથી હોહરું દેખાય એવી પાબા હંસ જેવી ડોકલી હોય ખીલેલા કમળ જેવી હથેળીઓ હોય ચોળાફળી જેવી આંગળીઓ હોય હીરની આટલી જેવી પંડની હુંવાળેપ હોય અને પગની હાલે ત્યારે પગની પાનીઓમાંથી કંકુની ટગલીઓ પડતી જતી હોય એવો જેનો દેખાવ થાય અને હાડી પહેરે એ કેવી હોય કે એલચીના ફોતરામાં હમાઈ જાય હંકેલીને જો મૂકી હોય ને તો એલચીના ફોતરામાં હમાઈ જાય એવી હાડી પંડ ઉપર પહેરે અને નાજુક તો રૂપાળી કેવી કે ઉગમણા વાય તો આથમણી નમી જાય ને આથમણા વાયરા વાય તો ઉગમણી નમી જાય ને ચારે કોરીના વાય તો ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય એવી પદમણી સ્ત્રી જો આ સાઠી ચાવલ અને આ નવચાંદરી ભેંસનું દૂધ લઈ અને જો એ રાંધીને જો ખવડાવે ને તો આ ત્રીજું સુખ કહેવાય સાઠી ચાવલ भैंस दूध और घर कुलवंती नार अने आ स्त्री जमाड़ी पड़खे बेही चूंदड़ीनो छेड़ो लईने वायरा नाखती जाए धणी एक एक नवाळो कवळियो खातो जाए अने अमृत थातु जाए एवो जे पति बेहतो होय ने जे आने पदमणी जमाड़ती होय तो जिंदगीनु त्रीजू सुख कहेवाय साठी चावल भैंस दूध अने घर कुलवंती नार साठी चावल भैंस दूध अने घर कुलवंती नार आ जिंदगीना त्रण सुख थिया आ त्रण सुख में साठी चावल अने भैंस तो लई आवाय पण पदमणी स्त्री मेळवे ए भाग्य वगैरे मळे नहीं पदमणी स्त्री घरे घरे आवे नहीं हूँ आ स्त्रीनु वर्णन करतो तो अने वर्णन करीने बहार निकळ्यो त्यारे एक भाई मारी पासे आव्या अने एने मने सीधे सीधुं पूछ्युं कोल्यु तमे जे वर्णन कर्युं तो ए पदमणी बाईनुं सरनामुं आपो मैं कीधेलू कि आ बाई पदमणीनुं सरनामुं न होय तमे चार मंगलवर्तीने जेने घरे लई आव्या छो ने एमां बधुंय छे एने तमे शुभ नजरथी जोशो तो एमां तमने पदमणी देखाशे बाकी पदमणी गोतवाय क्यांय न जवाय पण भागना भमराळा एवा केटलाय होय छे कि जेने भटकाई जाय मारा गामना चतुरभाई वाणिया एटले अमे बधा चताभाई कही अने चताभाईना लग्न लेवाणा चताभाई परणी आव्या जाजा कोडथी परणेला अने जे परणी फूलेका में बधे फरेला पोला पोला थई ने मां परण्यानी पहली राते कंदोइनियाथी नाश्तो लई अने घरे जई अने दादरो चढ़ी अने ऊपर गया। ऊपर जई अने बैठा हमें आई हूँ थी घूंघटो काढ़ी अमरा काकी बैठेला अने काकी बैठेला त्यारे चताभाईना अरमान आभे अडेला दरियाना मोजा उसले मुसलेला के हमणा आम करीने आम घूंघट ऊँचो थशे, पूनमनो चंद्रमा देखाशे, रूपनो समंदर खेलशे अने धीरे 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 बोली अने एम कीधुं के हवे तमे घूंघट ऊँचो करो, पण एम तो स्त्री शरमाय घूंघट ऊँचो न करे। एटले चता काकाए परणे आम करीने आम घूंघटने उपाड्यो, उपाड़ी अने धीरे 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 ऊँचो कर्यो अने अंदरथी देखाणो तो ई बाईनुं जे रूप हतुं ने ई रूप संपूर्णपणे चता काका पामी गया। ई शुं रूप हतुं? अढी हाथनुं काठुं, खोळना बटका जेवा पग, राणकोकड़ी हड़ी गई हो एवा ठळिया जेवा दांत, भांगी गेला आखरोट जेवुं नाक, कोई मोटा कंत्राटीए दगो करीने लात लई अने नाळा कर्या होय एवा बे भांगला नेण, फांगी आंख्यो, बोले त्यारे जीभमां तातणा थाय अने जीभ जलाय। ई चता काकाए जेवा हा भाया कस्तूर काकीने एटले ठेकी अने जे बहार पड़ीने व्या गया। ई पछी कोई दी घरे आव्या नहोता। एवं जो भूत कोकने भटकाई गयो होय ने तो जिंदगीनो सुख न आवे। जिंदगीनो सुख लेवा माटे तो घरे जे स्त्री होय ने एमां पद्मणी भाळवानी दृष्टि होवी जोईए। साठी चावल, भैंस दूध अने घर कुलवंती नार अने चौथी पीठ तुरंगरी। आ स्त्री साठी चावल अने भैंसना दूधमां खीर जमाड़ी अने धणीने एक धड़कली गाडलू पाथरी दे, एना माथे बरफाण जेवा ओछाण नाखी दे, किनकाबना गालमां सूर्या पड़के मूकी अने पछी सामे जोईने बेहे अने ई धणी जो आंखनुं झेर भांगी लेवा बे ढणका लई ले अने बे ढणका लीधा पछी बहार जवा माटे, खेतीनो वहीवट करवा माटे, बहार कारोबार माटे जवा माटे पोतानी पासे हाली न जावुं पड़े ने एक वाहन होय, एक घोड़ो होय तो एनुं नाम जिंदगीनुं चौथुं सुख कहेवाय। आ चार सुख जेनी पासे होय ने एने जिंदगीनो स्वर्ग मळी शके अने स्वर्ग मेळववा माटे आ स्त्री ज छे। एटले तो लोक संस्कृतिए, लोक विज्ञाने वात करी छे के मानवीने जीवन प्रकृति, विकृति अने संस्कृति उपर ઊભું છે। प्रकृति कोने के अर्धो रोटलो थाली में आवे ने खाई लईने संतोष मानवो एनुं नाम प्रकृतिनो कायदो। विकृति कोने के थाली में बे रोटला आव्या होय ने अर्धानी भूख लागी होय तो बेय झापटी जावाय ने आखोड पाखोडना लाड पाछा रोटला झूंटवी अने खाई जावा एनुं नाम विकृति कहेवाय। पण संस्कृति कोने कहेवाय के त्रण दिवसनी लांघण थई होय, अर्धो ज रोटलो थाली में आव्यो होय क्यांयथी अने एमां पहेलुं बटकू लईने मोढामां मूकवा जाय त्यारे कोक आवीने एम के मैं बे दी थी खाधु नथी, मने कंई खावानुं आपो, त्यारे एनी पासे थाळी हड़सेली अने एने रोटलो खवरावी अने एने पाणी पाई अने पोते खाधुं होय एटलो संतोष मानवो ने एनुं नाम संस्कृति कहेवाय। अने एवी संस्कृतिनी वातो जेने जेने जीवनमां बनीने एना घरनुं माणा पदमणी छे। पदमणी न होय तो पतिए एने पदमणी तरीके जोई छे अने एवी पदमणी स्त्री साठी चावल, भैंस दूध अने एक वाहन आ जिंदगीना चार सुख जेनी पासे होय एने पछी स्वर्गनी जरूर न पड़े। पण आ सुख लेता आवड़े, एने आवड़े, नहीतर जगतने आ समजाणु नथी। मैं एक ठेकाणे जोयेलो के एक बाई हवारमां पहेली जागी अने एना पतिनो अंगूठो धोईने पाणी पीए। तो आ दुनियाना आजना जमानामां कोईने वात करो तो ई एम के आवो मूर्खाईनो धंधो न कराय, पण जे पतिना अंगूठानुं पाणी धोईने पी जाए ई स्त्रीनी भावना, ई गोपीनी भावना कहेवाय। ई एमां पतिमां कृष्णने भाळे छे, ई भगवानने भाळे छे। लाठी पासे एक गाम छे, ई गामनी अंदर एक गौर महाराज ने गौराणी बेय रहे अने गौर महाराजे एवं नक्की करेलू के आपणो दिवस आवे एटले भगवाननो हुकम थाय एटले आ शरीर खोळियुं छोड़ी देवुं अने विहार करी जावो, आत्माने छोड़ी मूकवो। एटले एक दी हवारमां शंकरनी आराधना करवा मंदिरे जाता त्यां गौराणीने कहेता गया के गौराणी आज हूँ बपोरे 12 वागे आऊँ, माथे दी आवशे, मने भगवाननो हुकम थई गयो छे, हवे मारे समाधि लई लेवानी छे एटले मारो हाथरो लींपी राखजो। हाथरो कोने के मृत्यु थई जाए पछी जे शबने हुवरावे ने त्यारे नीचे लींपण करे, लींपण उपर गंगाजल छांटे, एना माथा पासे दीवो मूके अने एमां शबने हुवरावे एने हाथरो लींप्यो कहेवाय। तो गौर कहीने जाए छे के आज 12 वागे मारो हाथरो लींपी राखजो। पूजा पाठ करी अने गौर महाराज बपोरे 12 वागे आव्या अने ई आव्या त्यारे जोयुं तो ओरडामां दाखल थया तो बे हाथरा लीपेला जोया। एटले गौर महाराजे गौराणीने पूछ्યું के गौराणी आ बे हाथरा शुं काम कर्या? तो के हूँ जे जीवुं छुं ने ई तो तमारा हारू थईने जीवुं छुं, बाकी मने जिंदगीमां कांई बीजो हवाद रह्यो नथी। तमारा मोढा सामे जोईने मैं मारी जिंदगी पूरी करी छे अने तमारे जो जावानो टाइम थई गयो होय तो मारे अहीं रोकावानी कोई जरूर नथी। एटले मैं मारोय हाथरो लींप्यो छे। एटले अंगूठो धोईने पीवानो अने धणीना हाथरा भेगो हाथरो लींपवानी वात आजना जगत में जेने भणी भणी अने प्रेम ओछो कर्यो, दाम्पत्य जीवन ने समजवानुं मूकी दीधुं, एने आ वात समजाशे नहीं। लोक संस्कृति समजाववा मथे तो आ वातनी घड़ी न बेहे। हमणां हूँ एक लग्न में गेलो ते लग्न में परणी उतर्या एटले अखंड सौभाग्यवती 2-3-4 जणियों आवी अने रीत रिवाज प्रमाणे कन्याना कान में आवी खंभे चूंदड़ी नाखी आवी अने कही जाए अखंड सौभाग्य, इंद्र इंद्राणीनुं सौभाग्य, शंकर पार्वतीनुं सौभाग्य कहीने वही जाए। एमां मॉडर्न जगतनी दीकरीओ भेगी थयेली, टाइट पाटलून पहेरेला, અહીં સુધીના મવાળા 3-3 હજાર પાર્લરમાં જઈને આપી આવેલા, મોઢાનો મેકઅપ તૈયાર કરીને આવેલી, અને એમાંથી એક છોકરીએ મશ્કરી શરૂ કરી અને બીજીને પૂછ્યું કે વોટ ઇઝ ધીસ અખંડ સૌભાગ્ય, અખંડ સૌભાગ્ય શું છે? એટલે ઓલી છોકરીએ મશ્કરીમાં જવાબ દીધો કે આ અખંડ સૌભાગ્ય છે ને એનો અર્થ એ છે કે યુ ડાય બિફોર યોર હસબન્ડ ડાઈઝ, તું મરતી પહેલાં તારો ધણી મરે તે પહેલાં, તે તારો ધણી મરે તે પહેલાં તું મરી જા। તો કે ન, મારે નથી મરવું, ભલે મારો ધણી મરે। અખંડ સૌભાગ્ય भाग्यवतीनो अर्थ जो आ समझातो होय तो दाम्पत्य जीवन ने, परणवाने, स्त्री ने, पति ने, कुटुंब ने, परिवार ने समझवामां बहु ज वार लागशे। पण छतांय लोक संस्कृतिए कीधुं छे के जो कुटुंबमां जीववुं होय तो वृद्ध मावतरनी सेवा करो, पति पत्नी बेय मीठी भाषा वापरो अने तमारा भविष्यना संतानों पर मीठी नजर राखी अने जोया करो। अने जो तमने जिंदगी में आनाथी वधारे कोई दी सुख मळवानी एक पण शक्यता नथी। आ लोक संस्कृति, लोक विज्ञान, लोक साहित्य, लोकगीत, लोककथा अने लोकवार्ता आ बधी भाषानो वैभव छे, भावनो वैभव छे। आपे आना पहेलाना अमारा भागमां नखेतरनी वार्ता सांभळी, आजे आपे दाम्पत्य जीवननी वार्ता सांभळी। हवे आवता आज प्रमाणे आज दिवसे आज समये आल्फा गुजराती चेनल उपर फरीने पाछा आपणे बीजी लोककथा सांभळशुं। त्यां सुधी मनुभाई गઢवीना जय माताजी।